हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन ढूंढ रहे हैं या अभी तक सुबह का कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बदल जाएगा, जैसा कि मेरी लाइफ में हुआ। मैं परेशान हो गई अपने रूटीन से। उठने के लिए 4 अलार्म लगाती, स्नूज करके फिर से सो जाती, उठते ही मोबाइल लेके फेसबुक व्हाट्सएप चलाती और टाइम वेस्ट करती, और बिना कुछ सेटिस्फाइंग काम किए 2-3 घंटे यूं ही बिगाड़ के अपना दिन शुरू करती। रोज सोचती कि कल से एक्सरसाइज करूंगी, पर कल तो कभी आता ही नहीं। फिर मैंने इस चेन को रोकने की सोची और गूगल किया और मिरेकल मॉर्निंग बुक पढ़ी। सबसे पहले हमारी कंप्लेन होती है कि सुबह उठना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। बाद में ये रूटीन, एक्सरसाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। एक बार उठूं तो सही। इस बुक में बता रखा है कि मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करने से पहले ये 5 स्टेप प्रोसीजर्स फॉलो करो तो सुस्ती आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। स्टेप 1, सेट योर इंटेंशन बिफोर स्लीप। याद है किसी दिन सुबह फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना होता है तो सुबह एकदम फ्रेश और हैप्पी नींद खुलेगी, क्योंकि उसमें उठने का एक्साइटमेंट होता है। पता है 80% लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं पर जाते नहीं, क्योंकि ब्रेन चाहती ही नहीं है कि बॉडी को पेन हो। पेन देने की वजह दो बॉडी को, जैसे कल सुबह फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग जाऊंगी या लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी या फिर 5 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगी। स्टेप 2, अलार्म दूर रखो। अलार्म दूर रखने से बंद करने के लिए उठना पड़ेगा और उठने में थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी। स्टेप 3, अगर आपको जल्दी से नींद उड़ानी हो तो उठते ही ब्रश कर लो। ब्रश करते ही आपको फ्रेश फील होगा। स्टेप 4, ड्रिंक वाटर। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। साइंटिफिकली पानी पीने से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वेकअप हो जाते हैं। स्टेप 5, और भी सुस्ती ना उड़े तो नहा लो या मुंह धो लो एंड गेट रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर मॉर्निंग रिचुअल्स। सो 6 मिनट मिरेकल का प्रोसीजर है लाइफ सेवर्स, SAVERS। S इज फॉर साइलेंस। फील द साइलेंस ऑफ मॉर्निंग। प्लेजेंट वेदर को एंजॉय करो, सांसों को फील करो, अपने अंदर की एंडलेस एनर्जी को महसूस करो। ये सब करते हुए चेहरे पर स्माइल लाओ। फील गुड अबाउट योर लाइफ। जो चीजें नेचर ने दी हैं उनके लिए शुक्रगुजार हो। नेचर, जॉब, फैमिली सभी को धन्यवाद दो और उनसे माफी मांगो कि आपने उन सब का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वॉच आर वीडियो बेनिफिट्स ऑफ सेइंग थैंक्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड। ए इज फॉर एफर्मेशन, मतलब कोई पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट। मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे 6 महीने में 10 kg वेट रिड्यूस करना है। फिर थोड़ा स्पेसिफिक भी हो सकते हो, जैसे मैं इस साल IAS के पेपर में पास होने के लिए खूब एफर्ट्स लगाऊंगी, मुझे फ्लैट की EMI 10 years में फिनिश करनी है, एक्सेट्रा। SAVE, नाउ V स्टैंड्स फॉर विजुअलाइज। कुछ अच्छा पॉजिटिव इमेजिन करो जो स्पिरिट्स लिफ्ट कर दे। दिमाग में वीडियो प्ले करो। अगर एफर्मेशन में बोला है कि IAS बनना है तो खुद को पढ़ता हुआ इमेजिन करो। खुद को एग्जाम लिखते हुए पास होते हुए कलेक्टर की पोस्ट पर इमेजिन करो। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कोड टाइप करते हुए देखो। अपनी कंपनी से अवार्ड लेते हुए खुद को देखो। हमारे ड्रीम अचीव करने के बाद हमें क्या खुशी मिलेगी, ये बात हमें पहले से पता होगी तो हमारे सपने को पूरा करने की चाहत और बढ़ जाएगी। नाउ इज फॉर एक्सरसाइज। सिर्फ कुछ मिनट के लिए एक्टिव हो जाओ। स्कूल में PT करते थे वैसे, पहले नेक, रिस्ट, आईज, हैंड्स, एल्बोज, कमर, पैर, बेंड होके, कूद के, ट्विस्ट करके, पुशअप लगाओ, थोड़ी मूवमेंट्स करो। R इज फॉर रीडिंग। अब रीडिंग की बारी आती है। सिर्फ 4 या 5 फिक्स पेज पढ़ो। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक, अबाउट हेल्थ, मोटिवेशन, जो आपका लॉन्ग टर्म एम पूरा करे, एक्सेट्रा। आपके करियर से रिलेटेड भी आप पढ़ सकते हैं। 5 पेज एक दिन के, मतलब 4-6 books a year।
Now the last word of savers, S, that is for scribbling. Best is to write journal. कल किससे मिले, क्या important thought है जिसको हमें hold करना है, किस बात पर research करनी है, etc. Let your thoughts out. कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे मम्मी पापा हंसते हैं, मुझे बुढ़ापे में टीचिंग करनी है, ये जो दिमाग में क्लटर है ना, ये सब पेपर पर आने दो, जो मन में आए अच्छा या बुरा, किसी बात से परेशान हो तो भी लिख दो, और बाकी फ्यूचर टास्क या टू डू लिस्ट लिखो तो बेस्ट है। आज लॉन्ड्री एंड प्रेस करनी है, आज 2 चैप्टर पूरे किए बिना बाहर नहीं निकलना है। ये थे मॉर्निंग रिचुअल्स सेवर्स। इसको हैबिट बनाने के लिए 2 काम कर सकते हो, या तो किसी को रिपोर्ट करो जैसे कि पार्टनर को, या एक 30-day चैलेंज वाला पेपर डाउनलोड करके चिपका दो अपनी वॉल पर, रोज उस पे चेक मार्क लगाओ। ये सेवर्स करके फिर तुम्हें जो करना है जैसे स्टडी, जिम, हाउसवर्क एक्सेट्रा, कुछ भी वो कर सकते हो। वैसे भी ब्रेन परफॉर्म बेस्ट आफ्टर 2 to 4 hours ऑफ वेकिंग अप, सो यूटिलाइज योर बेस्ट टाइम ऑफ डे। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक।